नमस्ते ऑल ऑफ यू, मेडिकल शिक्षा के आज के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संतोष पंडित। दोस्तों, आज का टॉपिक वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बट साथ में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। बिकॉज कई बार अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन को हम देखते हैं तो हम एनालाइज नहीं कर पाते कि इसे हम डिसीज बोले, डिसऑर्डर बोले, सिम्टम्स बोले, इन्फेक्शन बोले या फिर सिंड्रोम बोले। तो आज के टॉपिक में हम इसी के बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ जानने की कोशिश करेंगे एंड साथ में मैं डिसीज के बारे में एक बेसिक क्लासिफिकेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बने रहिए एंड शुरू करते हैं। सो चलिए डिसीज के बारे में जानते हैं। तो डिसीज बेसिकली एक अबनॉर्मल कंडीशन होती है, हमारा कोई ऑर्गन है, उसका कोई पार्ट है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, इनके बीच में अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है तो उसे हम डिजीज बोलते हैं। सो ये क्यों होता है, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा इन्फ्लामेशन हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस और फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी न किसी पार्ट में और हमारे बॉडी सिस्टम में कुछ अबनॉर्मलिटीज आने के चांसेस हैं एंड इसी को हम डिजीज बोलते हैं। सो आई होप ये क्लियर है। सो चलिए अब देखते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। सो डिसऑर्डर बेसिकली वो कंडीशन होती है हमारे बॉडी में जहां पे हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन और सिस्टम डीअरेंजमेंट होता है या फिर अबनॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है। अब ये वाले फंक्शंस फिजिकल मॉर्बिडिटी भी दे सकते हैं या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स भी दे सकते हैं। सो इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो फॉर एग्जांपल लीवर है, लीवर का मेन फंक्शन होता है डिटॉक्स करना एंड चीज़ों को स्टोर करना, बट इस सारी कंडीशंस की वजह से लीवर अपना काम अगर प्रॉपर नहीं कर पाता तो उसे हम लीवर के रिगार्डिंग कोई डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। एंड मेंटल डिसऑर्डर्स होती है जब हमारा बिहेवियर चेंज होता है, जब हमारा मेंटल अलर्ट चेंज होने लगता है, हम किसी चीज़ को कॉन्सनट्रेट नहीं कर सकते या फिर हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते हैं, इसे हम मेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। सो हम अक्सर बात करते हैं कि बाहर मत जाओ, वहाँ पे इन्फेक्शन है, ये मत करो, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन का मतलब होता है एक अनवेलकमिंग एंट्री हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर, एंड ये एंट्री कौन करता है, कुछ जर्म्स करते हैं। बेसिकली ये जर्म्स चार टाइप के होते हैं, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगी होती है, कुछ वायरसेस होते हैं एंड कुछ ईस्ट होती है। ये चार लोग बॉडी के अंदर अनवेलकम तरीके से एंट्री करते हैं एंड बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को अबनॉर्मल करने की कोशिश करते हैं जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। आई होप ये समझ में आया। सो अब बात करना है सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स फिजिकल और मेंटल हो सकते हैं, जहां पे हमें एक्सपीरियंस आता है कि बॉडी अनवेल है एंड आगे जाके बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिसीज या फिर डिसऑर्डर होने के चांसेस है। सो जो एक फीलिंग आती है, जो एक एक्सपीरियंस आता है एक अनहेल्दी पर्सन को, वो सब कुछ उसके बॉडी के अंदर सिम्टम्स होते हैं जो एक डॉक्टर, एक RMP ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं, उसके ऊपर ईजिली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं सिंड्रोम को। सिंड्रोम वर्ड हमने कई बार सुना है लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए सिंड्रोम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो सिंड्रोम बेसिकली ग्रुप होता है जहां पे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, ये टुगेदर आते हैं राइट, एंड इनमें से कुछ एक कंडीशन डेवलप होती है
जिसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना एंड डायग्नोस करना। अभी एक सिंड्रोम आप सभी ने बहुत कॉमनली सुना होगा जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ये आपके जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक सीक्वेंसिंग के साथ डील करता है। अगर मैं नॉर्मली एक बेसिक लेवल की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम्स की, मतलब हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इनमें से 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स कॉमन होते हैं, मेल फीमेल दोनों के अंदर ये सीक्वेंसिंग और पेयर्स कॉमन होती है। लेकिन जो 23rd वाली होती है ये डिफरेंट होती है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। साथ हम कर रहे हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का। इस केस में जो 21 पेयर होती है इसकी, वैसे देखा जाए तो 2 कॉपीज होना चाहिए, बट इस केस में जबकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है, यहाँ पे इस 21 पेयर की 3 कॉपीज होती है। आप समझ रहे हैं, एक कॉपी यहां पे एक्स्ट्रा होती है एंड इसी एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से उस बेबी के अंदर बहुत सारे अलग कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेबी का आईक्यू ये अप्रोक्स 50 का होता है, जो कि लो होता है, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। बेबी के फेशियल एक्सप्रेशन एक नॉर्मल बेबी की तरह नहीं होते हैं एंड साथ में कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज आने की भी चांसेस होती है। इसीलिए जब भी सिंड्रोम की बात करेंगे तब बहुत सारे साइंस होंगे, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, एक ग्रुप होगा एंड यहाँ पे अगर जेनेटिक है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। सो दोस्तों, अभी तक हमने बेसिक डिफरेंस की बात की है, डिसीज, डिसऑर्डर, सिम्टम्स, इन्फेक्शन एंड सिंड्रोम। आई होप ये चीजें क्लियर है, थोड़ा सा रिवाइज करके देखना अगर इनकेस कोई डाउट है तो। अभी हम मेन टॉपिक स्टार्ट करें जहां पे हम बात करेंगे डिसीज की क्लासिफिकेशन का। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बट जो इजी है एंड जो कॉमनली यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड करता है 2 सिचुएशन पे। तो वो पहला वाला सिचुएशन उसमें होगा बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन से या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने का क्या वो प्रिंसिपल है, राइट। एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कि कितने लंबे समय तक ये डिसीज बॉडी के अंदर रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट वन, इसे मैं पार्ट वन बोल रहा हूं, ये होगा पार्ट टू। पार्ट वन की बात करते हैं, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन अगेन डिसीजेस को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन होगा कम्युनिकेबल डिसीजेस, एंड दूसरा क्या होगा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे डिसीजेस हैं जो कॉमनली हम सुनते हैं कि हाँ पेशेंट है एक नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आया एंड अभी नॉर्मल पर्सन भी पेशेंट है, राइट। सो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कम्युनिकेबल डिसीजेस के। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा एसटीडीज आते हैं इसमें। एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जहां पे आप देखोगे एचआईवी एड्स, देन गोनोरोहा, एंड सिफिलिस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिट किए जा सकते हैं।
एंड उसके बाद बात करते हैं हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर का इंफ्लामेशन होना। हेपेटाइटिस अगेन एक वायरस की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ये ट्रांसमिट किए जा सकती है, बट डिपेंड्स ऑन इसके टाइप्स। सो हेपेटाइटिस में बेसिकली ए होता है, बी एंड सी, तीन वायरसेस होते हैं जो हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस ये बेसिकली एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कुछ समय तक, कुछ महीनों तक आपके बॉडी में रह सकता है। हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट किस तरीके से होता है चलिए जान लेते हैं। सो एक फीकल ओरल रूट, ये वर्ड आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए एंड इसी में से पता चलेगा कि वो क्या जरिया है। तो सबसे पहले फीकल का मतलब क्या होता है? फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी से एनस के थ्रू निकलते हैं। अगर इनमें से कुछ एक वाटर या फिर फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, किसी एरिया में होता है जहां पे पानी पीने का सोर्स या फिर उतना ज्यादा हाइजीन नहीं है, तो होता है कि कई बार ह्यूमन वेस्ट वाटर में या फूड में कंटेमिनेट हो जाते हैं। एंड वही वेस्ट प्रोडक्ट अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन कंज्यूम कर लेता है या वाटर है ड्रिंक कर लेता है तो चांसेस है हेपेटाइटिस ई का वायरस उस नॉर्मल पर्सन के बॉडी में एंटर करे एंड उसकी लीवर को इंफ्लाम करे, राइट। सो हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। यहां पे इन्फेक्टेड ब्लड, सीमन और बॉडी फ्लूड, इनके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। अगेन हेपेटाइटिस सी ब्लड सैंपल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। साथ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जहां पे ब्लड सैंपल होता है, जैसे कुछ नीडल्स हैं या फिर एक्सीडेंटल अगर कोई नीडल स्टिक हो जाता है या कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं जो हमारे ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमारे वुंड्स के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, वहां से भी ये ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो अभी हमने कवर किया है कम्युनिकेबल डिसीजेस। चलिए अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन को किसी भी तरीके से इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ट्रांसमिट नहीं होंगे। अब एग्जांपल्स आप देखोगे, कुछ गिने चुने एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर ट्रांसमिट नहीं होगा। डायबिटीज मेलिटस, जिसमें आप टाइप 1 की बात करेंगे एंड टाइप 2 की बात करेंगे। देन सीओपीडी की कुछ केसेस हैं, जिसमें है अस्थमा नॉर्मली किसी को भी ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। एंड उसके बाद हाइपरटेंशन, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी होती है, माल न्यूट्रिशन का केस या फिर इसके साथ और भी कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होती है, डिप्रेशन होता है, साइकोसिस होता है, सिज़ोप्रेनिया होता है या फिर एपिलेप्सी होती है। ये सारे कंडीशंस सिर्फ उस इंडिविजुअल के ही पास रहेगी, वो किसी भी तरीके से उसके सबॉर्डिनेट फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स इनको वह ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। इसी को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आप इनके साथ रहते हो, आप इनकी कुछ चीज़ें यूज भी करते हो तो भी ये डिजीजेस उस नॉर्मल पेशेंट को नहीं होने वाली है, ठीक है। सो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 विच इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। सो कितने समय तक ये ट्रीटमेंट लेना जरूरी है अगर कोई डिजीज है तो, उस ड्यूरेशन के बेस पे इसके दो तरीके से डिवाइडेशन होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट
एंड देन होता है क्रोनिक। सो एक्यूट का मतलब क्या है कि ऐसा डिसीज जिसके सिम्टम्स कम से कम 3 महीने तक बॉडी के अंदर रहेंगे या विद इन 3 मंथ अगर एक प्रॉपर थेरेपी उसको मिलती है या ट्रीटमेंट मिलती है तो ये सिम्टम्स बॉडी से निकल भी सकते हैं, ये डिसीज डिसऑर्डर बॉडी से क्योर भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स जान लेते हैं जो एक्यूट डिसीजेस की कैटेगरी में आती है। सो सबसे पहले कॉमन कोल्ड की बात हो सकती है, फ्लू, अस्थमा का अटैक, निमोनिया हो सकता है। दोस्तों निमोनिया कंडीशन कौन सी होती है, जब हमारे लंग्स में जो एयर सैक्स होती है जिसे हम एल्वियोलाइज बोलते हैं उसके अंदर कुछ वाटर या पस फॉर्मेशन होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है जिसे हम निमोनिया बोलते हैं। एंड उसके बाद कुछ कंडीशन आती है जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, ये बहुत इजीली विद इन 3 मंथ्स बॉडी से कंप्लीटली डिसअपीयर हो सकता है। ब्रोंकाइज की ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की कुछ बेसिक कंडीशंस है जो मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक हमारे बॉडी में होती है जो ट्रीटमेंट के बाद तुरंत डिसअपीयर भी हो सकती है। एंड अब बात करेंगे हम हमारा टाइप 2 क्रोनिक कंडीशंस जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है मोर देन 3 मंथ के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल आपका आएगा, टीबी को आप किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे, एक्यूट में या क्रोनिक में। बट टीबी की बात आप समझते हो, टीबी की मेडिकेशन जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है आपके पास, आइसोनियाज़िडिन होता है, आइसोनियाज़िड होता है, पायराज़िनामाइड होता है, इथंबुटोल होता है। सो अगर आप एक 6 to 9 मंथ तक का ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हो तो टीबी आपके बॉडी से कंप्लीटली डिसअपीयर हो सकता है। तो इसीलिए हम इसे अभी क्रोनिक कंडीशन में कंसिडर करेंगे बिकॉज 3 महीने से ज्यादा का टाइम है। साथ में आपके पास हाइपरटेंशन है, फिर कुछ हार्ट डिसीजेस इस कैटेगरी में आएगी, डायबिटीज, कैंसर, साथ में डिप्रेशन या फिर अल्जाइमर डिसीजेस या फिर डिमेंशिया, इस तरीके की केसेस भी आपके लॉन्ग टर्म चलेगी मोर देन थ्री और सिक्स मंथ के आसपास, या कभी कभी कुछ कुछ केसेस ये लाइफ टाइम तक भी आपके साथ रहेगी। इसीलिए हम इसे क्रोनिक कंडीशन या क्रोनिक डिसीजेस की कैटेगरी में ऐड कर रहे हैं। आई होप चीजें क्लियर है। मैं वापिस से एक बार रिवाइज करता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज देखी है। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे एंड उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के लिए स्टार्ट किया। सो इसको हमने 2 पार्ट में कवर किया है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, उसमें हमने एक कम्युनिकेबल डिसीजेस देखी एंड एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस देखी। देन हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया जहां पे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कितने दिन कितने महीने तक ये वाले डिसीज अपने सिम्टम्स दे सकते, थेरेपी कितने महीने तक देना जरूरी है। सो इसमें आपने देखा एक होता है एक्यूट एंड दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या है, 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, इसके सिम्टम्स बॉडी में हो सकते हैं। क्रोनिक का मतलब है मोर देन 3 मंथ्स। क्रोनिक केस में कुछ ऐसे भी डिसीजेस आएंगे जो लंबे समय तक, लाइफ लॉन्ग तक हमारे बॉडी में रह सकते हैं। सो आई होप चीजें क्लियर हैं, कोशिश की है आपको थोड़ा सा कम समय में समझाने की। दोस्तों अगर कभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज है रिगार्डिंग सब्जेक्ट या फिर कुछ अलग टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हो। सो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के बारे में सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए एक वीडियो लेकर आने के लिए। सो बने रहिए एंड मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।